यार लुगाई में तो जब फोन आए कई बार भाई तू यहाँ मता करे यह गरीब आदमी है तू इस बहरबानी को बका फुसला के ले जाता है भाई काम करने के लिए तेरे में वहाँ काम ढूंढ रहा हूँ या कर रहा हूँ बिल्कुल हम काम ढूंढेंगे तो आप ढूंढेंगे तू यहाँ बिल्कुल मता तो हमने वो मना कर दिया जी यहाँ वे आना उसने बंद कर दे फिर उसने इसका नंबर लेके फोन से संपर्क किया है तो जब भी वो फोन करता था वो जब भी निकल जाती थी इसके चकमा देखे नहीं बेचारा लंगड़ा लूला ये कहाँ डोले उसके पीछे विवाद से आए दिन महिलाओं की मौत की खबरें सामने आती रहती हैं। कभी दहेज के आरोप में तो कभी खुदकुशी को लेकर हाल ही में नई गांव की एक महिला की मौत का मामला सामने आया है जिसमें मृतक महिला के पति गफ्फार ने सिंगार गांव के आलम पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी पत्नी के साथ आलम के काफी दिन से संबंध थे अट्ठाईस जून को सुबह उसकी पत्नी को आलम मोटरसाइकिल पर बैठा कर सिंगार ले जाता है लेकिन शाम को जब उसे तालीम नाम का युवक घर छोड़ जाता है तो महिला दारू के नशे में बताई जाती है महिला को घर छोड़ने के कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई मृतक महिला के पति गफ्फार ने कहा कि अभी तक इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है जब हमने बिछोर थाना प्रभारी रमेश चंद्र से बात की तो उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा किस कारण महिला की मौत हुई है पुनः से मोहम्मद असलम की रिपोर्ट यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फरीदा फरीदा आपकी मम्मी थी तस्करा अच्छा तो क्या मामला था कहाँ गई थी आपको कुछ पता है हमको न्यार न्यार गई मैं तो झटी बेद जब फोन आया झट झट्ट पीछे चलेगी किसका फोन आया था आलम का अच्छा तो क्या कह रही थी आपसे आपकी मम्मी बेटी न्यार ले चली जा। अच्छा तो आप न्यार के लिए चली गई अच्छा फिर वो पीछे से गई है तो अच्छा फिर कैसे आई थी वो उधर से

कहाँ का, है सिंगार का जी? कब गया था सुबह ले गए तो वा वो? वो का व्यक्ति था श्रंगार गाँव का तो उसे हमने मना भी की थी कई बार अक भाई तू यहाँ मता कर गरीब आदमी है तू इस बेहरबानी को बका भुसला के ले जाता है भाई काम करने के लिए तेरे में वहाँ काम ढूंढ रहा हूँ या कर रहा हूँ मैंने बिल्कुल हम काम ढूंढेंगे तो आप ढूंढेंगे तो यहाँ बिल्कुल मत तो हमने वो मना कर दिया जी यहाँ वह आना उसने बंद कर दिया फिर उसने इसका नंबर ले फ़ोन से संपर्क किया है तो जब भी वो फ़ोन करता था वह जब भी निकल जाती थी इसके चकमा दे के नहीं बेचारा लंगड़ा लूला लाइए कहाँ डोले उसके पीछे ये कौन है उसका घर वाला आ गफार मेरा भाई लगता है जी चाचा का लड़का है तो इसने उसे मना करी इसके मैं यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ उधर चला जाता था और जाने के बाद में उसको वो ले गया वहाँ जाने के बाद में उसके संग क्या किया क्या नहीं किया हम पे ये भी वो है कि बहुत आदमी हैं दो गाड़ियों में आदमी हैं वहाँ पे और हम सारे उसको आपके लिए दिखा के भी लाएंगे पुलिस प्रशासन को भी दिखाएंगे अब यहाँ वारदात हुई फिर ये समीम डॉक्टर के पास इसको तीन आदमी करके आए हैं उसको समीम डॉक्टर बताएगा अब वो कौन बंदे थे जो या कर गए फिर वहाँ तला बेल लगे पेट में मरोड़ी लगे हैं पेशाब आई है लेटरिंग आई है तो बर बर में लेटरिन गई हो गई फिर इसमें तीन घंटा उसका तोड़ा का मकान है समीम डॉक्टर का उसमें रखी है हम पे सारे वह आ रहे हैं लेकिन वो इकरार नहीं कर रहा वो इकरार करनी पड़ेगी उसे और समीम डोंटरे का लड़का यह करके गया यहाँ पर जब उसको डोंट रही थे एक पता को मरीज मेरे पे आ रहा था उसको ये क्या पता है कि इसका घर यहाँ है तो क्या आपने को कोई हाँ पुलिस के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई मैंने अपने नाम से लगाई एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन से उसने उसका पोस्टमार्टम करा दिया तो क्या कुछ कार्रवाई हुई अभी तक तो? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई फिर रात हम दस बीस पचास आदमी गांव से गए हैं तो थानेदार ने फिर हमसे ये अल्फाज मोड़ा है कि भाई मैं किस वहाँ में करूँ वह मरीज तुम्हारे घर जाके मैं इसमें क्या करूँ मैं तो जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर मुकदमा दर्ज करूँगा सच्चा ये है जी यहाँ आया है आलम आलम नाम का एक आदमी आया है आता ये वो डेली आता है जैसे तीसरे चौथे दिन पाँचवें दिन आता है वो इसके पैसे हैं उसके पास और पैसे का वाहन लगा कर निकले मैं पैसे के लिए जा रही हूँ और ऐसे जाती थी वो तो ऐसे ले जाता था यहाँ से वहाँ ले जा के जी सुबह गई है वो दस एक बजे करीब और शाम को सात एक बजे सीख वहा मरी ले आए हैं जी समीम डॉक्टर का वहाँ दो घंटा कम से कम दो घंटा कभी लेटरिन में कभी गुसल खाना में कभी कहीं भी मेरे चीज चल रही है पेट में दर्द हो रहा है ये दस बारह आदमी ने जी उसके संग कोई मतलब वैसा काम करो जी रेप करा जी और मार कूट करके नहीं बिल्कुल जब वो समीम डॉक्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया कि ये नहीं बचेगी अब ये मर जाएगी उसने कही जी डॉक्टर आप कोई करो कोई वो इसमें तो उसने इसके ऐसे इंजेक्शन लगाए जिस नशे के जो ये बयान ना कर पाए यहाँ तो जी मरी करके पटक के गए हैं जी वो फिर आपने कोई शिकायत की पुलिस को सर गए हैं हम शिकायत करने को और वो बोल रहा है वह एस एच ओ साहब के भाई मैं किस बात में एफ आई आर दर्ज करूँ मैं तुम्हारी किस बात में मुकदमा दर्ज करूँ ये तुम्हारे घर मरिए जबकि वो मरी हुई करके यहाँ पटक के गए हैं जी यहाँ तो बस इतना ज़रूर बोला इन बालकों से मेरे ऊपर ठंडा ठंडा पानी डालो मेरी शर्म गाह के ऊपर ठंडा ठंडा पानी डालो तो इनने पानी डाला है उसके पर थोड़ा घना तो इसने भी बोला उसके पति ने कहा तेरा मोबाइल कहाँ मेरा मोबाइल आलम के पास है फिर वो फिर ऐसे बेहोश हो गई थी फिर वो ख़त्म ही हो गई जी.